हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस टाइम बन रही है घर के अंदर मैक्रोनी। ये डिनर टाइम पे टाइम बन रही है क्योंकि इस दिन हमने डिनर नहीं किया था, मैक्रोनी बना ली थी। एंड ये मैं अपने स्टाइल से ही बना रही हूँ। गार्लिक जिंजर का पेस्ट मैंने सबसे पहले ऑयल के अंदर ऐड किया था, उसके बाद मैंने चॉप टोमेटोज एंड ऑनियन डाल दी थी इसके अंदर। एंड इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था केचप, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे था। एंड इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड की थी ये शेज़वान चटनी, से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर अमूल चीज़ की कुछ स्लाइस ऐड करी थी, थोड़ी सी बस। एंड इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा टर्मरिक ऐड किया था, सिर्फ हाफ टेबल स्पून। एंड उसके बाद सॉल्ट, एंड इसके बाद मैंने विनेगर डाला था इसके अंदर बहुत थोड़ा सा, करीब 2 टेबल स्पून बस। एंड सोया सॉस भी मैंने अपने इसके अंदर डाला था, करीब 2 टेबल स्पून। एंड उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी करके मैक्रोनी अपनी ऐड कर ली थी इसके अंदर। एंड फिर मैक्रोनी के बाद मैंने उसके बाद कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था कल। एंड ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो मैं शूट कर रही हूँ इस टाइम पर, दोपहर के टाइम में। एंड इसके बाद मुझे एक कॉल आया था कि आपका ऑर्डर है फ्लिपकार्ट से। मेरी सिस्टर ने वॉच मंगाई थी अपनी पहनने के लिए, तो ये आई थिंक वही ऑर्डर है, क्योंकि एक दो चीज़ें साथ में ऑर्डर करते हैं तो ध्यान रहता नहीं है क्या चीज़ आई है उसके बाद। एंड ये वॉच अपनी मेरी सिस्टर ने मंगाई थी अपने पहनने के लिए, उसने खुद ही ऑर्डर करी थी। एंड ये इसकी डिलीवरी बहुत लेट हो गई, बहुत लेट करी। अभी 15 डेज इसने टाइम लिया है ऑर्डर ने आने के लिए। पर ये जो वॉच है वो बहुत अच्छी लग रही है हाथ में पहनने के बाद। इतनी अच्छी आपको कैमरा के अंदर नहीं दिखाई दे रही है, आई डोंट नो वाई, बट ये हाथ में पहनने से और सामने देखने से बहुत ही इसका प्यारा कलर है, बहुत अच्छी लग रही है वॉच ये। एंड गाइस, वो जो वॉच हम सबको बहुत पसंद आई है, सबको ही, सिस्टर को मेरी स्पेशली बहुत पसंद आई, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आई है। एंड अब मेरी जो बहन है वो स्कूल वगैरह पहनकर जाएगी उसको। वो बेसिकली हमने स्कूल के लिए मंगाई थी क्योंकि स्कूल में टाइमिंग देखने की दिक्कत होती है, कभी आपको लंच का टाइम नहीं चल रहा है पता, छुट्टी का टाइम नहीं चल रहा है पता, कौन सा पीरियड कब लग रहा है, तो इसलिए वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पास थी पर उसकी वॉच में कुछ दिक्कत हो गई थी, टूट टूट गई थी वो, इसलिए हमने दूसरी मंगाई थी। बहुत अच्छी लगी हमको वॉच फ्लिपकार्ट से। एंड इसके बाद अब मैं बेडशीट बिछा रही हूँ बेड पर अपने।
इसके बाद मैं अपनी नेल पॉलिश रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे हल्दी में गई थी, मैंने तब लगाई थी येलो कलर की। अब मुझे दूसरा शेड ट्राई करना है नेल पॉलिश में, तो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ अब। एंड इसके बाद मेरी सिस्टर ने हेल्प करी मेरी नेल पॉलिश रिमूव करने में, क्योंकि मुझे और भी काम था, तो वो मेरी नेल पॉलिश रिमूव करने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसको उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, उसे नहीं आती चीज़ें ये वाली थी। तब भी उसने कोशिश करी थी, उसने मेरी नेल पॉलिश भी लगाई थी पर वो सही नहीं लग पाई थी। मैंने उसको दोबारा रीअप्लाई करा था, पर उसने कोशिश बहुत अच्छे से करी थी इस बार। आउटफिट दिखा देती हूँ जो मुझे आज वेयर करना है। ये मेरा गरारा है जो मैंने अभी पिछले साल ईद पे सिलवाया था, एंड ये नेल पॉलिश भी लग चुकी है, कंप्लीट हो गई पूरी। इसको सूखने के बाद मैंने अपना गरारा टच किया था, क्योंकि उसमें लगे चल रहा था, नेट का था और दुपट्टा उसका। तो एंड ये गरारा है, ऊपर की कमीज है उसकी पूरी और दुपट्टा है, फिर यही मुझे आज पहनना है। यहाँ मम्मी अपनी कपड़े प्रेस कर रही हैं जाने के लिए। एंड ये मुझे मेरा हरारा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। इसकी बेल बहुत प्यारी लगी हुई है और कपड़ा बहुत अच्छा है इसका। ये मुझे पूरा आउटफिट मेरा बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि आज इसको पहन लेना चाहिए मुझे। एंड यहाँ बस मैगी बन रही थी, क्योंकि शादी में जाने में टाइम था, हम लोग को भूख लग रही थी, इसलिए मैगी बना ली थोड़ी सी बस। एंड ये जो वाइट कलर की ड्रेस मैं आपको अब दिखाऊँगी, ये मेरी सिस्टर पहन रही है आज, तो वाइट एंड ब्लैक का कुछ कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो आज। एंड ये मेरा फुल लुक है जो मैंने पहना था गरारा मेरा रिसेप्शन वाले दिन मेरे रिलेटिव के। एंड मुझे मेरा फुल लुक बहुत अच्छा लगता है। एंड अब मेकअप बस रह गया था, मैं फुल रेडी थी। एंड इट्स मेकअप टाइम। इसके बाद मैंने मेकअप किया था, और सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मैंने क्या यूज़ किया था। सबसे पहले मैंने यूज़ किया था ये आयूर की मॉइस्चराइजिंग क्रीम फेस वॉश करने के बाद अपना। एंड इसके बाद फिर मैंने यूज़ किया था स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस का प्राइमर मॉइस्चराइजर के बाद फ़ौरन ही। एंड इसके बाद मैंने ये कंसीलर अप्लाई किया था, ये कलर करेक्टर वाला कंसीलर है, और मिरर मुझसे बहुत दूर था और उस टाइम वहाँ पे रोशनी थी नहीं, लाइट कुछ ढंग से काम नहीं कर रही थी बाहर वाले, तो मैंने यहाँ पे एक मिरर रख लिया था देखने के लिए। एंड इसके बाद मैंने अभी ये फिट मी का फाउंडेशन परचेस किया है कुछ टाइम पहले, तो मैं इसे अप्लाई करूँगी अभी। ये शेड में कुछ दिक्कत है, शेड कुछ और है आगे से, पैकेजिंग का शेड कुछ और लिखा है पैकेजिंग पे उसकी, और अंदर शेड कोई और है, पर ये अच्छा लगता है मुझे, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पर। और आगे मैं शूट नहीं कर पाई थी। थैंक यू सो मच।